नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। आज बात करेंगे भारत की बदलती नारी की। सचमुच हमारे देश की महिलाएं बदल रही हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही हैं, वो अधिकारों के साथ साथ दायित्वों के प्रति भी सजग हो रही हैं। इसका बोध कराया सोमवार से नागपुर में शुरू हुए महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होने पहुंची राष्ट्रवादी कांग्रेस की विधायक सरोज बाबूलाल अहिरे ने। आप कह सकते हैं कि इसमें खास बात क्या है, विधायक हैं तो विधानसभा सत्र शुरू होने पर उन्हें जाना भी चाहिए। खास बात यह है कि एनसीपी विधायक अहिरे विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए अपने 2.5 महीने के नवजात बेटे के साथ आई थी। विधानसभा सत्र में समय पर पहुंच सके इसके लिए उन्होंने अपने नवजात बेटे और परिवार के साथ 500 किलोमीटर की लंबी यात्रा की। सदन में उन्होंने कहा कि मैं माँ हूँ लेकिन एक जनप्रतिनिधि भी हूँ, मेरे लिए दोनों दायित्व महत्वपूर्ण है, नवजात बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता, और विधानसभा सत्र के दौरान अपने मतदाताओं के सवालों का जवाब लेना मेरा दायित्व है, मैं अपने दोनों दायित्वों से मुकर नहीं सकती। सवाल ये नहीं कि सरोज बाबूलाल अहिरे किस पार्टी की विधायक हैं, महत्वपूर्ण ये है कि वो महिला हैं और उन्होंने अपनी जैसी महिला विधायकों को होने वाली परेशानी को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि सदन में महिला विधायकों के लिए कोई फीडिंग रूम या क्रेच की सुविधा नहीं है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और कुछ बंदोबस्त करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा महिला विधायक अपने बच्चों को साथ लेकर सदन में आ सकें। एनसीपी विधायक अपने बच्चे को रोज सदन में लाने की इच्छुक हैं ताकि सत्र के दौरान वो अपने दोनों कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर सकें। हमारे देश की संसद और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या वैसे भी कम है, उस पर नवजात शिशुओं की मां होने के साथ सांसद या विधायक होने वाली महिलाओं की संख्या और कम होगी। इसके बावजूद जिस समस्या की ओर अहिरे ने इशारा किया वो समस्या तो है ही। हमारे देश में सत्र चलने के दौरान महिला सांसद या विधायक को अपने नवजात बच्चे को स्तनपान कराने की इजाजत शायद ना मिले। हमारा समाज भी ऐसा करने पर शायद ऊटपटांग टिप्पणियां करे, लेकिन साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया की संसद चलने के दौरान सांसद लारिसा वाटर्स ने न सिर्फ अपने बच्ची को फीड कराया बल्कि फीड कराते हुए अपनी बात भी सदन में रखी। साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने महिला सांसदों को अपने चैम्बर तक बच्चे को लाने की इजाजत दी थी। इसके ठीक उलट साल 2003 में विक्टोरियन सांसद क्रिस्टी मार्शल को संसद से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि वो अपनी 11 दिन की बच्ची को दूध पिला रही थी। स्पेन में साल 2006 में सांसद कैरोलिन वेस्केसा को संसद के दौरान अपने बच्चे को फीड कराने पर खूब खरी खोटी सुनाई गई थी। हमारे देश में ही नहीं दुनिया के कई देशों में पब्लिक प्लेस पर ब्रेस्ट फीड एक टैबू है, अपने देश में भी है। जो महिलाओं के दायित्वों को सिर्फ उनका दायित्व मानते हैं, समाज में रहने के नाते उस समस्या को समझाना या दूर करना अपनी भागीदारी को अपनी जिम्मेदारी को नहीं मानते, उनके लिए ये टैबू है और शायद हमेशा रहे भी। लेकिन जो गलत है सो गलत है। एक माँ का पहला कर्तव्य है अपनी संतान को समय पर स्तनपान कराना, फीड कराना। नवजात को शुरू के 6 से 12 महीने माँ के दूध की 100% ज़रूरत होती है, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं। ऐसे में वो किसी पब्लिक प्लेस पर हो तो ज़रूरी है कि वहाँ फीडिंग रूम की व्यवस्था हो ताकि ऐसी महिलाओं को अपने बच्चे को स्तनपान कराने के लिए कोई कोना ना झांकना पड़े। हमें एनसीपी विधायक की इसलिए भी सराहना करनी चाहिए कि वो एक ऐसी समस्या की तरफ इशारा कर रही हैं जिससे छोटे बच्चे की माँ बनी सांसद और विधायक आए दिन झेलती हैं। अपने ऊपर बीतने पर सही एक नेत्री ने देश की निक्की सी लेकिन बड़ी समस्या का जीवंत तरीके से उठाना एक बड़ी बात है, इसके लिए वास्तव में वो सराहना की पात्र हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे किसी नई जानकारी को लेकर। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए और हमारे काम को मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते रहिए देश रोजाना और जैसा मैंने कहा कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।